ताबूत सकीना क्या है? ये एक ऐसी बाबरकत संदूक थी जिसकी मदद से बनी इसराइल के मुसलमानों ने कुफार के खिलाफ होने वाले जिहादों में आसानी फतेह हासिल की थी। और काफरों से ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिसकी बिना पर काफरों पर बहुत सारी बीमारियां मुसल्लत कर दी गई थी? और ताबूत सकीना के ऊपर बहुत सी अहम मालूमात हम इस वीडियो में शाया करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। बिलखसूस इस्लामिक मालूमात और दुनिया से जुड़ी अहम बातें इस चैनल पर मिलती रहती हैं। ताबूत सकीना के मुतालिक अक्सर मुफस्सरीन का ख्याल है कि ये जन्नत से ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही ज़मीन पर उतारा गया। ये ताबूत शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आखिरी ज़िंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मीरास के बाद देकर आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और फिर आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा। और जब ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना ख़ास ख़ास सामान रखने लगे। ये बड़ी ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफार से जिहाद करते थे और कुफार के लश्करों की कसीर तादाद को देखकर सहम जाते और इनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो वह इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाया करता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बिशारत अजमाए नाजिल हुआ करती थी और फतेह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज़ और फतेह की बिशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे। इनकी दुआएं मकबूल होती थीं और बलाओं, मुसीबतों और वबाओं की आफतें टल जाया करती थी। अलगरज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का खजीना और नसरत खुदावंदी का नजूल का नहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस हो गया और इन लोगों में मासी व तुगियान, सरकशी व आसियान का दौर दौरा हो गया तो इनकी बदआमालियों की नहुसत से इन पर खुदा का ये गज़ब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफार ने एक लश्कर जर्रार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। उन काफरों ने बनी इसराइल का कत्ल आम करके इनकी बस्तियों को ताकत व तराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ डाला, सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबर्रिक संदूक को भी उठा कर ले गए। इस मुकद्दस संदूक को निजास्तों के कोड़े खाने में फेंक दिया, लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ गया कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। चनाचा कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए, यहाँ तक कि ये काफिलों को यकीन हो गया कि ये संदूक की बेअदबी की सज़ा हम पर पड़ गई है। चनाचा इन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हांक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा इनको मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक़्त हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। जनाजा संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। ताबूत सकीना में क्या था? इस मुकद्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आयसा और इनकी मुकद्दस जूतियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन व सलवा, इसके अलावा हज़रात अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब समान थे। बाद की ज़माने में होने वाली जंगों ने इस हीकल को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसको आग लगा दी। वो यहाँ से माल गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया था।
इस तबाही के नतीजे में आज असली हिकल की कोई चीज़ बाकी नहीं है। तबूत सकीना कहाँ है? इन तमाम तबाहियों के नतीजे में तबूत सकीना कहीं गायब हो गया और इसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी बहुत सारे माहिर असामीर कदीम, खसूसन यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरगदा हैं ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी इसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी इनको अता की गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।